अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, रेमडी पैक, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3 का 19 पार्ट। राइट एटॉमिक साइज एंड इट्स ट्रेंड इन द पीरियड, यानी एटॉमिक साइज क्या है और उसका ट्रेंड बताना है आपने पीरियड के अंदर। अब है जी एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, यानी दो एटम हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके न्यूक्लई के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें तो वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहलाते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल है जी, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लई ऑफ टू कार्बन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 154 PM, यानी ये दो कार्बन एटम है ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है 154 PM। इट्स मीन इट्स हाफ इज 77 PM, मीन इसका जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस होगा वो 77 PM होगा। इट्स रेडियस ऑफ द कार्बन एटम। उसके बाद नेक्स्ट इसके है जी ट्रेंड, ट्रेंड इन पीरियड्स। वेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऑल दो द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, के एटॉमिक नंबर बढ़ता है, येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज ग्रेजुअली। एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से उसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ बिकॉज, ये वजह है, विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है उसका साइज कम होता है, उसकी वजह यह है कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, मीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का इजाफा होता जाता है। तो ये वजह है कि वो उसका पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल ये सेकंड पीरियड है जी, अब उसमें लिथियम है 152 PM, बेरिलियम 113, बोरोन 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 75, ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 71, नियॉन 69। मीन पीरियड में देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मीन प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन जब बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन बढ़ती है, जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज उसका रेड्यूस होता जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 19 पार्ट है, व्हाई आयोनाइजेशन इन एनर्जी इंक्रीजेज इन अ पीरियड, कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्यों बढ़ती है, तो इसकी हमने जो है वो क्या करनी है, रीज़न बतानी है। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है। इट इज़ बिकॉज, ये वजह है, द साइज ऑफ एटम रिड्यूस, के साइज ऑफ एटम जो है वो कम होता जाता है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हेल्ड स्ट्रांगली, और जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो स्ट्रांगली जुड़े होते हैं बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, कि जिसके ऊपर जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग होती है। देयर फोर एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मीन लेफ्ट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मीन अगर लेफ्ट साइड पे होंगी तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर राइट साइड पे आएंगे तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखें, ये एक एग्जांपल के तौर पर एक सेकंड पीरियड है जी, लिथियम की है जी आयोनाइजेशन एनर्जी 520, बेरिलियम की 899, बोरोन 801, कार्बन 1086, नाइट्रोजन 1402, ऑक्सीजन 1314, फ्लोरीन 1681, नियॉन 2081। मीन जब हम पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि उसका एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ते हैं, जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है,
जब रेड्यूस हो जाता है साइज, तो उस वक्त उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें ज़्यादा दरकार होती है।